हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लता संतानी क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रसमलाई मोदक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, रसमलाई पनीर से बनती है। रसमलाई मोदक है तो इसके लिए हम लेंगे आधा कप पनीर, जिसे मैंने घर पर ही बनाया है, और इसे बनाकर हाथ से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसे मिक्सर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। पनीर एकदम से स्मूथ हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पनीर अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है, इसे प्लेट में ले लेंगे। गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे, उसमें पनीर डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखना है। दोस्तों, पनीर जैसे जैसे गर्म होगा वैसे ही और भी नरम होते जाएगा। फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, इससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, मैंने हाफ कप पनीर लिया था, अब 1/3 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। गैस का फ्लेम लो रखते हुए इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब 1/4 कप चीनी डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये रसमलाई के मोदक यानी पनीर से बने मोदक हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। अब इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए केसर डाल देंगे, जो हमने दूध में भिगो के रखी थी। फ्रेंड्स, अगर आपको और भी मोदक की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। पान मोदक, स्टीम मोदक यानी उकड़ीचे मोदक की रेसिपी और फ्राइड मोदक की रेसिपी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा फूड कलर ऐड कर देंगे। कलर डालते समय थोड़ी सावधानी बरतें, बहुत ही कम कलर डालना है। अब यह थोड़ा ड्राई होने लगा है और कढ़ाई के तले से भी अलग होने लगा है, यानी तेल सेपरेट होने लगा है। फ्रेंड्स, इस रसमलाई मोदक के लिए आप पनीर फ्रेश ही लें, इसीलिए मैंने घर पर ही पनीर बनाकर यूज किया है। यह इकट्ठा होने लगा है, यानी डो का शेप लेने लगा है। अब इसे मिक्स करते हुए उतार लेंगे। इसे प्लेट में फैला दें और यह थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए, तब हम मोदक बनाना शुरू करेंगे। हल्का ठंडा हो गया है, इसकी गोली बनाकर देख रहे हैं तो देखिए आसानी से बन रही है। इसका मतलब हमारा डो एकदम परफेक्ट बना है। अब मोदक मोल्ड में हल्का सा तेल लगाएंगे, उसके ऊपर केसर के धागे रखेंगे और पिस्ताशू रखेंगे। इससे हमारे मोदक डेकोरेटिव लगेंगे, देखते ही जी ललचाएगा। दोस्तों, ये रसमलाई मोदक खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। केसर और पिस्ताशू डालने के बाद इसके ऊपर हम पनीर वाला मिक्स रखेंगे और अच्छी तरह से दोनों तरफ से दबा लेंगे और फिर मोल्ड को बंद करके प्रेस करके शेप देंगे। मोल्ड को बंद करेंगे और उसे थोड़ा अच्छी तरह से प्रेस करेंगे अंदर से, जिससे हमारे मोदक मोल्ड के जो कॉर्नर्स हैं ना, वो उभर कर आएंगे। एक्स्ट्रा डो निकाल लेंगे। इस तरह से आप अगर मोल्ड को यूज करेंगे तो आपके मोदक का शेप बहुत ही प्यारा लगेगा। अब मोल्ड को धीरे से खोलें और दूसरे हाथ से उसे सहारा देते हुए मोदक को निकाल लें। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, आ गया ना मुंह में पानी। इसी तरह से फ्रेंड, बाकी के मोदक भी आप बना लें। पहले मोल्ड में तेल लगाएं, उसके ऊपर पिस्ताशू और केसर रखें और उसके बाद उसमें डो डाल दें और उसे अच्छी तरह से पैक करके दबाते हुए प्रेस करें और जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल लें और इस तरह से मोदक तैयार करते जाएं।
फ्रेंड्स, ये मोदक एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, सारे इंस्ट्रक्शन ज़रूर फॉलो करें तो आपके मोदक भी इस मोदक की तरह बहुत ही टेस्टी और सुंदर दिखेंगे। आपके मोदक कैसे बने यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप किस सिटी से मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, हमें जानकर खुशी होगी। इस बार आप रसमलाई मोदक बनाकर गणपति बप्पा को भोग लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।